जीएलबीएल फैंस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द पैलेस ऑफ बर्डो की चैप्टर 9 to 11। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो स्टोरी है वही से स्टार्ट होगा जहाँ से हमारा पहले वाला स्टोरी खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो ह्यून है वो जा रहा था जेके पास उन लोगों को बचाने के लिए, उस छोटी सी बच्ची को और बाकी जो भी दासियां थी उन सबको। और तभी वो मन में सोचने लगा अपने पिछले जन्म के बारे में फिर से। तो चलो देखते हैं कि वो क्या सोच रहा था अपने पिछले जन्म के बारे में। सो दिखाया जा रहा है कि हमारा जो वांजी है वो लेके आया है बहुत सारे दासियों को अपने गार्ड को साथ लेके, उनको बांध के और कह रहा है कि इन लोगों को झील में डुबाया दिया जाए। और तभी हमारा जो ह्यून है वो दौड़ के आ रहा है और कहने लगा, योर हाइनेस प्लीज आप ऐसा मत करो क्योंकि सारी गलती मेरी है। और तब हमारा वांजी कहने लगा कि उन लोगों का काम था कि तुम्हारी बालों का ध्यान रखे और वो लोग ऐसा नहीं कर पाए, तो उन लोगों को तो आप पनिशमेंट तो मिलेगा ही। और तब हमारा ह्यून कहने लगा कि मैंने ही मेरे बाल को कट किया है क्योंकि वो आपको ज्यादा पसंद था इसलिए। और हमारा वांजी कहने लगता है कि तुम्हारा बाल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम। फिर वांजी कहने लगता है तो क्या मैं तुम्हें फेंक दूं। और फिर हमारा जो ह्यून है वो कहने लगता है कि योर हाइनेस प्लीज आप ऐसा ना करें, इन लोगों को इतनी बड़ी पनिशमेंट ना दीजिए। और हमारा जो वांजी है वो थोड़ी ना ये सब मानेगा। और फिर हमारा वांजी हमारा जो ह्यून है उसके सामने ही उन दासियों को झील में फेंक देता है। और हमारा ह्यून ये देख के रोता रह जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि अब भी उन लोगों का दर्द भरा आवाज जो है वो मेरे जहन से नहीं जाता। और चलो अब हम आ जाते हैं उन दोनों के इस जन्म में। और दिखाया जाता है कि हमारा जो ह्यून है वो जा रहा था जेके पास, और वो जेके पास जाने के बाद कहने लगता है योर हाइनेस। और हमारा जो जे है उसे देखकर कहने लगता है कि तुम क्यों आए हो यहाँ। और फिर हमारा जो ह्यून है वो कहने लगता है कि योर हाइनेस आप प्लीज उन दासियों को ना मारे। और हमारा जो जे है वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता उन्होंने तुम्हें जहर देने की कोशिश की और तुम कह रहे हो कि मैं उन्हें ना मारूं, ऐसा क्यों। और फिर हमारा जे कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों में मैं क्या इतना ज्यादा नैरो माइंडेड हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। और फिर हमारा जो ह्यून है वो मन में सोचने लगता है कि जैसा पहले हुआ था ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और फिर हमारा जो ह्यून है वो जे को कहने लगता है कि आपने एक बार कहा था ना कि आपको मेरी ये बाल पसंद है, तो आज से ये बाल आपकी हुई, आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करूंगा, आप कहेंगे मैं इस बालों को लंबा करूं तो मैं लंबा करूंगा, और आप प्लीज उन्हें मत ऐसा पनिशमेंट दीजिए, आप सिर्फ उनकी जान बख्श दीजिए। और तब हमारा जे कहने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। और फिर हमारा जे हमारे ह्यून की बालों को टच करके कहने लगता है कि हाँ ये सच में ही बहुत ही ज्यादा प्रीटी एंड एक्सपेंसिव हेयर है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर हमारा जे कहने लगता है कि आओ चलो अब इसे एंड किया जाए। और फिर एक गार्ड पूछने लगता है कि योर हाइनेस आप क्या करें। और फिर हमारा जे कहने लगता है कि इन सब को जेल में डाल दिया जाए। और फिर वो गार्ड कहता है कि सबको। और फिर हमारा जे कहने लगता है कि सबको नहीं, जिन्होंने भी क्राइम किया है सिर्फ उन्हें, बाकियों को छोड़ दो। और ये सुनने के बाद हमारा जो ह्यून है उसका जान में थोड़ा जान आता है और ये अभी रिपीट नहीं हुआ। और ये सोचने के बाद हमारा जो ह्यून है वो अचानक से फिर से बेहोश हो जाता है और वो जो औरत है वो चिल्लाने लगती है। और हमारा जो जे है वो तुरंत ही हमारा ह्यून को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि कोई डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। और फिर दिखाया जा रहा है कि फिजियो आया हुआ है, मतलब डॉक्टर, और कह रहा था हमारे जैसे कि हमारा जो ह्यून है वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा वीक है और ऊपर से उन्होंने पॉइजन खा लिया इसलिए वो और भी ज्यादा वीक हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैंने एंटीडोट दे दिया है इसलिए वो अभी ठीक है और थोड़ी देर बाद वो उठ भी जाएंगे। और फिर हमारा जो जे है वो कहने लगता है कि आप सब अभी जा सकते हो और आप सब ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि पता नहीं कि कब आप सब का बुलावा आ जाए फिर से, मतलब ह्यून को देखने के लिए।
और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो जय है वो उसके अनुज को कह रहा था कि मैंने तुम्हें तो नहीं कहा जाने के लिए, तुम इधर ही रुको। और फिर उसका अनुज पूछने लगा कि योर हाइनेस क्या हुआ है। और फिर हमारा जय अपना तलवार निकाल के छोटा सा स्टेप करता है उसके अनुज के बॉडी पे और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या मुझे नहीं मालूम होगा कि रॉयल कंसोर्ट तुम्हारी भतीजी है। और फिर उसका अनुज कहने लगता है कि योर हाइनेस उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर जय कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ इतने सालों तक वफादार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, पर तुम मेरे पैलेस से निकल जाओ और तुम दोबारा अपने माइंड में ऐसा थॉट बिल्कुल भी मत लाना, बिल्कुल भी मत। और फिर उसका अनुज जा रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि अब क्या ये सब फिर से रिपीट होगा। और जितना सोचा था इससे ज्यादा स्मार्ट निकला ये जे, क्या कहते हो। खैर, और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो ह्यून है वो खाने पे बैठा हुआ है और कोई उसका खाना चेक कर रहा है कि इसमें जहर है तो नहीं, और एक एक खाना चेक कर रहा है और हमारा ह्यून को खाने के लिए दे रहा है। और हमारा ह्यून ऐसा लग रहा है कि ये सब देख के वो थोड़ा बोर हो चुका है। और बाद में हमारा ह्यून कहने लगता है कि बस बहुत खाना खा लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ। और वो कहने लगता है कि माय लॉर्ड आप थोड़ा सा तो और खा लीजिए। और फिर हमारा ह्यून वहां से चला जाता है, शायद वो सच में बोर हो चुका होगा। खैर, और फिर हमारा ह्यून को दिखाया जाता है कि वो लेट के सोच रहा था कि और पहले भी ऐसा होता था कि कोई ना कोई मेरे पीछे लगा रहता था और मेरे पे नजर रखता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ ये सब। और फिर दिखाया जाता है कि वो छोटी सी बच्ची है ना, वो आई है ह्यून के पास और कहने लगती है कि माय लॉर्ड थैंक यू। और फिर हमारा ह्यून कहने लगता है कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आई एम सॉरी। और फिर वो जो छोटी सी बच्ची है ना वो कहने लगती है कि माय लॉर्ड थैंक यू, क्योंकि आपके कारण ही तो हम सब बच गए हैं। और आपने जब कहा योर हाइनेस को कि आप आपके बाल उनको दे देंगे, और योर हाइनेस ये बात सुन के तो हम सबको नहीं मारा, तो हम सब आपके कारण ही तो बच गए हैं। और मुझे ना योर हाइनेस से डर लगता है, पर वो आपकी हर एक बात को मानते हैं, शायद वो आपको सच में ही बहुत ही ज्यादा मानते हैं और पसंद करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो माय लॉर्ड। और फिर उस छोटी सी बच्ची की बात सुन के हमारा ह्यून क्या ही बा बोले। और फिर वो बच्ची कहने लगती है कि माय लॉर्ड मैं आपका बाल को फिर से कॉम कर दूं। और फिर ह्यून कहने लगता है कि नहीं आपको जरूरत नहीं है। और फिर उस छोटी सी बच्ची को बुरा लग जाता है और हमारा ह्यून देख लेता है और कहने लगता है कि अच्छा ठीक है कर दो। और फिर वो छोटी सी बच्ची खुश हो जाती है और ह्यून की बालों को कॉम करना स्टार्ट कर देती है। और वो छोटी सी बच्ची हमारा जो ह्यून है उसका बाल कॉम करने के समय वो ह्यून से बातें करने लग जाती है। और तभी अचानक बाहर कोई आवाज होता है और वो बच्ची कहने लगती है कि माय लॉर्ड शायद योर हाइनेस आए होंगे, तो चलो देखते। और ये कहने के बाद ही वो छोटी सी बच्ची ह्यून को खींच खींच के बाहर ले आती है कि चलो देखते है कि योर हाइनेस आए है। और फिर उन दोनों देखते हैं कि ये योर हाइनेस नहीं है, ये तो रॉयल कंसोर्ट है और उसके साथ उसका एक छोटा सा बेटा है। और फिर वो छोटी सी बच्ची ह्यून को कहने लगती है ये तो रॉयल कंसोर्ट और क्राउन प्रिंस है, ये यहाँ क्यों आए हैं। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो ह्यून है वो रॉयल कंसोर्ट और क्राउन प्रिंस जो छोटू सा है और 5 साल का है उसे देखकर हमारा ह्यून झुककर अपना इंट्रोड्यूस दे रहा था। और वो जो रॉयल कंसोर्ट है ना वो अनुज वाली रॉयल कंसोर्ट नहीं है, वो कोई दूसरी है। और वो उसी समय अपने बेटे को मतलब क्राउन प्रिंस को कुछ इशारा कर रही थी ऐसा लग रहा है। और तभी वो क्राउन प्रिंस जाता है हमारे ह्यून के पास और उसकी बालों को टाइटली पकड़ लेता है और खींचने लगता है। और हमारा ह्यून उसकी अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो बच्चा छोड़ ही नहीं रहा था।
और फिर वो छोटी सी बच्ची है ना, वो आती है और कहने लगती है कि माय लॉर्ड की बाल आप छोड़ दीजिए क्राउन प्रिंस। और कहने के बाद वो क्राउन प्रिंस की हाथों को पकड़ लेती है। और ये देख के ही रॉयल कंसोर्ट को आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि उस बच्ची को जाके पकड़ लो अपनी बाकी दासियों से, और कहने लगती है कि उस बच्ची को अभी बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा। और उसकी जो दासियां है वो भी ठीक नहीं है, मुस्कुराते मुस्कुराते जाके वो छोटी सी बच्ची को पकड़ लेती है और वो बच्ची रोने लग जाती है। और तभी हमारा जो ह्यून है वो उस बच्ची को बचाने के लिए कहने लगता है कि ये बाल तो योर हाइनेस को बिलोंग करता है, मैंने उन्हें ये बाल दे दिया है। और तब वो जो रॉयल कंसोर्ट है वो कहने लगती है कि क्या मतलब। और फिर और तब हमारा जो ह्यून है वो पूरा स्टोरी सुनाता है, और पूरा कथा सुनने के बाद वो रॉयल कंसोर्ट थोड़ा घबरा जाती है और फिर उस बच्ची को छोड़ देती है। और तभी ही वो क्राउन प्रिंस जो है ना, वो भी हमारा जो ह्यून का बाल है वो भी छोड़ देता है तभी। और फिर हमारा ह्यून बड़े ही प्यार से उस क्राउन प्रिंस को कहने लगता है कि थैंक यू। और फिर दिखाया जाता है कि वो रॉयल कंसोर्ट है ना, वो हमारे ह्यून को उल्टा सीधा कहने लगती है। और फिर हमारा ह्यून भी कहने लगता है कि डोंट वरी, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है रॉयल कंकुबाइन बनने में, क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत ही ज्यादा जल्दी मरने वाला हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी का जान जाए। और फिर वो रॉयल कंसोर्ट कहने लगती है कि मैं कैसे तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं। और फिर हमारा ह्यून कहने लगता है कि मैं तो ऐसे भी मरने वाला ही हूँ। और फिर वो रॉयल कंसोर्ट थोड़ी बहुत बातें सुनाने के बाद कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ इधर से, और कह के वो चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो छोटी सी बच्ची रो रही थी, और दूसरी दासी आके कहने लगती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उधर पढ़ने की। और फिर वो बच्ची कहने लगती है कि हमारा जो माय लॉर्ड है उनका बाल बहुत ज्यादा प्रीशियस है, मैं कैसे देखती कि कोई उनका बालों को डैमेज कर रहा था, तो मैं रोकने के लिए चली गई। और ये कहने के बाद और भी ज्यादा रोने लगती है वो बच्ची। और फिर हमारा ह्यून कहने लगता है कि रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। और फिर वो छोटी सी बच्ची कहने लगती है कि हमारा माय लॉर्ड का बाल तो हमारा योर हाइनेस के लिए ट्रेजर है, ट्रेजर। और ये बात सुनने के बाद हमारा ह्यून कहने लगता है कि डोंट से दिस, और वो चला जाता है। और फिर दूसरी नौकरानी उस छोटी सी बच्ची से कहने लगती है कि क्या तुम कुछ भी सोच समझ के कहने सकती। और फिर वो बच्ची कहने लगती है कि मैंने क्या गलत कहा है, हमारा जो योर हाइनेस है उनके लिए तो हमारा माय लॉर्ड का बाल तो ट्रेजर ही तो है। और फिर वो दासी कहने लगी कि क्या तुमने नहीं सुना कि माय लॉर्ड ने क्या कहा कि वो ज्यादा दिन नहीं जिंदा रहने वाले हैं। और फिर वो नौकरानी उस छोटी सी बच्ची को बहुत कुछ कहने लगती है और समझाने लगती है, जो उस बच्ची को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और फिर वो छोटी सी बच्ची बाद में चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो जय है उसका सभा बैठा हुआ था, और उसकी दरबार पर कुछ कंस्ट्रक्शन को लेकर और जोक फैमिली को लेकर बातें चल रहा था। जोक फैमिली मतलब ही उनकी फैमिली। और फिर उसी समय एंट्री होता है वो छोटू सा बच्चा जो है ना, मतलब क्राउन प्रिंस का, और वो आके कहने लगता है कि डैडी ये आपके लिए। और फिर ये कहने लगता है कि क्या है ये। और फिर वो क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये बाल आपको बिलोंग करता है। मतलब कि जब वो क्राउन प्रिंस हमारा ह्यून का बाल खींच रहा था, तब कुछ बाल उसके हाथों में आ गया था। और उस छोटू से बच्चे को ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, वो आ गया इस बालों को लेके और जे को देने के लिए। और फिर जे क्राउन प्रिंस की बातों को सुन के समझ जाता है कि ये बाल तो ह्यून का है। और ये देखने के बाद ही हमारा जे को आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में वो अपने ही बेटे की गला को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन या फिर रिव्यू आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन।